तो आज हम लोग द्वई रेखा चित्र प्रयोग के बारे में जानते हैं। पहले यंग द्वई रेखा चित्र प्रयोग के बारे में जानते हैं। यंग द्वई रेखा चित्र प्रयोग आधुनिक द्वई रेखा चित्र प्रयोग का मूल संस्करण था, जो थॉमस यंग द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया था। आधुनिक द्वई रेखा चित्र प्रयोग के विपरीत यंग का प्रयोग एक छोटे छेद के माध्यम से सूर्य के प्रकाश स्टीयरिंग मिरर का उपयोग करके दर्शाता है और एक पेपर कार्ड का उपयोग करके पतली बीम को आधे में विभाजित करता है। तो यह इस प्रयोग की व्यवस्था का चित्र है। तो यह तो था यंग द्वई रेखा चित्र प्रयोग, मगर हम आधुनिक द्वई रेखा चित्र प्रयोग आजमाकर देखेंगे। इस प्रयोग को घर पर करने के लिए आपको इन चीजों की आवश्यकता होगी: लेजर सूचक, कागज, कैंची, काला मार्कर और ऑल पेन। सबसे पहले कागज का एक छोटा सा टुकड़ा काटें, फिर काले मार्कर की मदद से एक छोटी आयत बनाएं और इसे पूरी तरह से छाया दें। अब पेन की मदद से आयत के केंद्र पर दो स्लिट्स बनाएं, फिर लेजर को स्लिट की ओर इंगित करें और देखें। इस चीज का ध्यान रखें कि आप सीधे लेजर में ना देखें। अवलोकन: जब दो संकीर्ण स्लिट्स के माध्यम से गुजरने वाली मोनोक्रोमेटिक लाइट दूर की स्क्रीन को रोशन करती है तो उज्ज्वल और अंधेरे फ्रिंज की एक विशेषता पैटर्न नजर आती है। तो आखिर यहां हो क्या रहा है? यह हस्तक्षेप पैटर्न दो स्लिट्स के उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगे के अतिरिक्त के कारण होती है। इससे प्रकाश की तरंग प्रकृति सिद्ध होती है। इलेक्ट्रॉन के साथ द्वई रेखा चित्र प्रयोग, तोनोमोरा एक्सपेरिमेंट। किरा तोनोमोरा और उनके सहकर्मियों ने हिताची में 1989 में यह प्रयोग करा था। किसी भी एक समय में उपकरण में केवल एक इलेक्ट्रॉन और फिर उन्होंने फ्रिंज पैटर्न के बिल्डअप का अवलोकन किया। आइए देखते हैं कि फ्रिंज पैटर्न कैसा लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, समय के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स जमा होते गए और उनके जमा होने का एक पैटर्न सा बन रहा है, और यह पैटर्न हमारे लेजर से किए गए पैटर्न जैसा नजर आ रहा है। निष्कर्ष: इस प्रयोग से कण तरंग द्वेध की पुष्टि हुई, क्योंकि जैसा फ्रिंज पैटर्न लेजर यानी तरंग के लिए आया था, वैसा ही फ्रिंज पैटर्न इलेक्ट्रॉन यानी कण के लिए भी आया था। उम्मीद करता हूं कि आपको द्वई रेखा चित्र प्रयोग समझ आया हो और आप यह प्रयोग घर पर जरूर करके देखेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।